नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। राजनीतिक चेतना एवं अधिकार यात्रा का महोबा नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद मंडी स्थल में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता द्वारा समाज सेवी विनोद पुरवार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व कालका प्रसाद को जिला अध्यक्ष पद पर शपथ दिलाई गई। अखिल भारतीय वैश्व एकता परिषद एवं ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा संचालित राजनीतिक चेतना व अधिकार रैली का जनपद आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह फूल वर्षा के साथ स्वागत हुआ। इसके बाद यात्रा मंडली स्थल पहुंची, जहां दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 5 दिसंबर से शुरू हुई यह यात्रा विभिन्न शहरों से होते हुए क्रांतिकारी नगरी पहुंची है। यात्रा का मूल उद्देश्य वैश्व समाज में राजनीतिक चेतना का स्मरण और राजनीतिक दलों में दबाव बनाना है। यूपी की 403 विधानसभाओं में वैश्व समाज के मतदाता हैं। 106 विधानसभा क्षेत्र तो वैश्व समाज बाहुल्य है, लेकिन फिर भी राजनीतिक हिस्सेदारी में समाज को दरकिनार किया गया। भारतीय वैश्व एकता परिषद द्वारा राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 5 दिसंबर से प्रारंभ हुई, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगर महानगर कस्बों से होती हुई आज महोबा की क्रांतिकारी वीर भूमि पर पहुंची है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य वैश्य समाज में राजनीतिक चेतना का स्मरण कराना तथा राजनीतिक दलों पर दबाव बनाना, जो वैश्य बाहुल क्षेत्र हैं उन स्थानों पर प्राथमिकता के आधार पर टिकट मिलने चाहिए। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल्य है, जहाँ वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में रहता है। 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल्य है। हमारी मांग है कि जो राजनीतिक दलों ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी आबादी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी, ये सिद्धांत सभी समाज के वर्गों पर लागू किया गया, लेकिन वैश्य समाज को हाशिए पर छोड़ दिया गया। इस राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 के माध्यम से मांग है कि हम वैश्य समाज को भी राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी, आगामी विधानसभा के चुनाव में वैश्य प्रत्याशियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। बुंदेलखंड की धरती पर 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन 19 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन एक भी वैश्य समाज का किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं, एक भी मंत्री नहीं, एक भी MLC नहीं। इस राजनीतिक अधिकार यात्रा के माध्यम से पुरजोर ढंग से मांग है, जो 19 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें कम से कम 6 विधानसभा क्षेत्रों में वैश्य बंधुओं को टिकट मिलने चाहिए। टिकट मिलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले कल में पूरा समर्थन वैश्य एकता परिषद का उस राजनीतिक दल को मिलने वाला है। हमारी मांग है कि महोबा की धरती से महोबा, बांदा, चित्रकूट आदि ऐसे स्थान है, झांसी इसका नाम बदलकर अभी रानी झांसी कर दिया गया। बधाई देना चाहता हूँ योगी सरकार को, जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। हमारी मांग है कि आने वाले कल में इस बुंदेलखंड की धरती पर वैश्य समाज के लोगों को टिकट मिले, इससे आने वाले कल में बुंदेलखंड का विकास और तीव्र गति से हो सके। इसके साथ ही ये भी मांग है, जो मंडी शुल्क लगा दिया गया है तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना चाहिए। GST कपड़े पर 5% थी, जो बढ़ाकर 12%, फुटवियर पर 12%, फुटवियर पर 12%, होजरी पर 12%, रेडीमेड पर 12% कर दिया है, उसे 5% किया जाना चाहिए। व्यापारी क्या संदेश देना चाहते हैं इस रैली के माध्यम? धन्यवाद। व्यापारी समाज, जहाँ का व्यापार अच्छा होता है वही देश बढ़ता है। पहले से आप देखते आए हो, स्टेट इंडिया कंपनी आके भारत में राज्य किया था। आज व्यापारी वर्ग की उतनी पूछ नहीं हो रही है, जबकि आज सरकार 1-2% को सर्विस देती है। व्यापारी वर्ग कम से कम 5-7% लोगों को व्यापार और रोजगार देती है। नरी नारायण को मैंने पूजा है, हमेशा मैंने माना है कि गरीब जनता ही हमको बना के देती है। लोग कहते हैं कि हम लोग उनको रोजगार देते हैं, लेकिन यहाँ की भारत में कितनी गरीब जनता है, ये लोग हम लोग कितना मजबूत कर रहे हैं, ये लोग नींव के पत्थर हैं। और आज मैं अपने द्वारा चाहता हूँ कि मैं विधायक बन के मैंने जितना अभी तक कर सका
किया है, लेकिन अब विधायक बन के मैं चाहता हूँ जनता को आगे बढ़ाए, क्योंकि जनता ही क्या वोट ही सबको राजा बनाती है। यहाँ पर जो राजा होते हैं पेट से नहीं निकलते, यहाँ जनता ही चुनती है। आज अगर ईश्वर चाहेगा, मैं अपनी ज्यादा तारीफ नहीं करते हुए, ये 10 साल 15 साल का आपका रिकॉर्ड है कि मैं चाहता हूँ गरीब से गरीब जनता उठे, जैसे विदेश में भी कार की क्षमता है, कार की कीमत है, उस तरह हो। और यहाँ हम भारत सरकार से मांग करते हैं, जैसे वर्ल्ड में ब्याज नहीं है, भारत में भी ब्याज बंद हो और गरीब जनता को राहत मिला, ये अपना खुद रोजगार करे।